आज तो मोहब्बत को पुनर्जीवित करने का टाइम है। आप सब लौटिए अपने युग में। मोहब्बत कभी नहीं मरती है, मरता है इश्क। इश्क वन साइड होता है, मोहब्बत टू साइड होती है। मोहब्बत में समर्पण होता है। देखें आप साहब, दरअसल सन 86 में मुझे, मैं आपकी संज्ञान डाल दूं भाई, मेरे अनुज है साहब, लव गुरु का खिताब मिला था मुझे। लव गुरु का लाल सोट साहित्य मंडल ने मुझे खिताब दिया था लव गुरु का, और इस विषय में मेरा कुछ है। देखिए साहब, आप मैं 5-7 मिनट चाहता हूँ आपकी। भाई राजनीति भी करते हो कोई बात नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन आप ले कुछ। देखें साहब, नहीं दरअसल ये 8 दिन की यात्रा है। नई पीढ़ी है, कहीं एक पड़ाव पर लड़क जाता है, कहीं प्रपोज पर लड़क जाता है, कहीं तीसरे पर लड़क जाता है, और जो पार कर जाता है 8वें दिन को, दैट इज हाँ, बस बस बस। देखिए साहब, मेरा दिल याद तुमको बेशुमार करता है। लौट जाए अपने समय में। ऐसा कोई नहीं है जिसने प्यार ना किया हो, जिन्हें प्यार ना करता हो। ये दरअसल युवा पीढ़ी का भ्रम है कि हम प्यार नहीं करते हैं। हम भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा दिल याद तुमको बेशुमार करता है, तेरा अंदाजा मुझे बेकरार करता है। तो प्यार महफूज है, सुरक्षित प्यार महफूज है तेरे लिए अकिंचन का। प्यार महफूज है तेरे लिए अकिंचन का। मेरा गुलाब तेरा इंतजार करता है, मेरा गुलाब तेरा इंतजार करता है। एक असफल प्रत्याशी है इस मामले का, उसे दे रहा हूं। मनाना एतियाद से न भूल हो जाए, मनाना एतियाद से न भूल हो जाए, तेरी मेहनत कहीं फिर से फिजूल हो जाए, तेरी मेहनत कहीं फिर से फिजूल हो जाए। तो दुआ सहेज के हमने रखी है दिल में, दुआ सहेज के दिल में रखी अकिंचन ने, गुलाब आपका उनको कबूल हो जाए, गुलाब आपका उनको कबूल हो जाए। देखिए साहब, सिर्फ एहसास से आकाश को पा लेता हूँ, सिर्फ एहसास से आकाश को पा लेता हूँ, और यादों को ख्यालों में बसा लेता हूँ। तो दर्द जब हो कि जवां और जिस्म मेरा छूता है, दर्द जब हो कि जवां और जिस्म मेरा छूता है, ये जिंदगी गीत है इस गीत को गा लेता हूँ, ये जिंदगी गीत है इस गीत को गा लेता हूँ। देखे साहब, विदुरी जी एक परेशानी बताई बहन जी ने कि ना आप यहाँ पुरुष ज्यादा बैठे हैं और आप उनसे कहलवा रहे हैं और किसी महिला की सुनी नहीं रहे। अकिंचन जी कैसे कह सकते हैं, इनकी जो मोहब्बत है वो चेतना जी हैं। तो ना अब इनका मैं जवाब, वो क्या सोचती है इनके बारे में, ये ना मेरा हस्तक्षेप है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप होटल वाले गलत कर रहे हो। एक आदमी कहे जा रहा है, उसे रोक नहीं रहे। तो मैं बहन जी को बुलाना चाहूंगा, अकिंचन जी के लिए दो पंक्तियां हैं कि आपकी हकीकत, आपकी हकीकत, आपका फसाना, आपकी कहानी क्या होगी। जब हाल है बुढ़ापे में ये, तो आपकी जवानी क्या होगी। इट इज ओनली टू फील, नॉट टू एक्सप्रेस। भाई मैं इंग्लिश का लेक्चरर रहा हूं। विष्णु, अगर तुम्हें ये बात कहनी भी थी तो सार्वजनिक रूप से क्यों कही। प्यार मोहब्बत की बात कोई सार्वजनिक होती है, और वो प्यार मोहब्बत होता ही नहीं है जहाँ सार्वजनिक सब कुछ हो जाए। तो
मैं तो इस बुढ़ापे के लिए इतना ही कहूंगी कि बहुत रंगीन है बुढ़ापा, क्योंकि आप लोगों से सर कह रहे थे कि भाई अपना अपना समय याद करो, अपना अपना समय याद करो। अरे इन लोगों का कोई ऐसा समय नहीं रहा, तुम तो इनको बिगाड़ दे रहे हो। शरीफ को शरीफों की महफिल में पता नहीं ये कहाँ से आ गए। मैं तो इतना ही कहूंगी, अगर आप लोग चाहें तो एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाएं। बहुत बढ़िया इन्होंने काव्य पाठ किया है, इसके लिए मैं भी आपको बारंबार बधाई देती हूँ। लेकिन हो दिलदारों जैसी कैसी बातें कर रहा है रंगीन बुढ़ापा। तालियां बजनी चाहिए जोर से इस रंगीन बुढ़ापे के लिए। हो दिलदारों जैसी कैसी बातें कर रहा है रंगीन बुढ़ापा, माइक पर आके बिना मौत ही मर रहा है रंगीन बुढ़ापा, माइक पर आके बिना मौत ये मर रहा है रंगीन बुढ़ापा। अरे चलना फिरना है मुश्किल पर जोश देखी कैसा है, चलना फिरना है मुश्किल पर जोश देखिए कैसा है। ये अंगूर रहा होगा, ये अंगूर रहा होगा पर अब तो किशमिश जैसा है, ये अंगूर रहा होगा पर अब तो किशमिश जैसा, बिन पिए ही अंगूरी नाटक कर रहा है रंगीन बुढ़ापा, माइक पर आके ठंडी आहें भर रहा है रंगीन बुढ़ापा। इस बुढ़ापे पे हिदायत देती हूँ अगर ये मान ले तो। अरे राम नाम से ही बाबा अब पार लगे तेरी नैया, राम नाम से ही बाबा अब पार लगे तेरी नैया, वरना पलंग पे पड़े पड़े करते रहना दैया दैया, वरना पलंग पे पड़े पड़े करते रहना दैया दैया, क्यों जान बूझ कर घड़ा पाप का भर रहा है रंगीन बुढ़ापा, माइक पर आके बिना मौत ये मर रहा है रंगीन बुढ़ापा। दरअसल ये दरअसल कदम बहक गए हम खां, ठीक है चलो, लेकिन सुन लो साहब दो चार बात। चोट दर चोट सहता है ये घायल का मुकद्दर है, चोट दर चोट सहता है ये घायल का मुकद्दर है, लिपट कर पांव से बजती ये पायल का मुकद्दर है, लिपट कर पांव से बजती ये पायल का मुकद्दर है। तो अकिंचन दीद को कोई उम्र सारी तरसता है, अकिंचन दीद को कोई उम्र सारी तरसता है, नैन में चैन से सोता ये काजल का मुकद्दर है, नैन में चैन से सोता ये काजल का मुकद्दर है। देखिए साहब विसंगति क्यों है, हो सकता है कहीं इस तरह की बात हुई हो बहन जी के साथ नहीं साहब।